वही सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हुए बताते कि रामदयाल नगर स्टेशन मोड़ के पास चार युवक गिरफ्तार। इसके पास से चार बैग में मिली यूपी के निर्मित 90 बोतल विदेशी शराब। मुजफ्फरपुर काजी मोहम्मद थाना पुलिस ने रामदयाल नगर स्टेशन के पास चार युवक को 90 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। शराब यूपी निर्माण की है। थानेदार मनोज कुमार शाह ने बताया कि सूचना मिली थी कि रामदयाल स्टेशन के मोड़ चार युवक ने अलग अलग जगहों पर 90 बोतल शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसी पर मनोज कुमार जी ने अपने दल बल के साथ पहुंचकर छापेमारी की, जिसमें 90 बोतल विदेशी शराब जब्त की। वहीं अगली खबर, मुजफ्फरपुर में कांग्रेस ने मनाई भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल बोले, मजदूर किसान और महिलाओं को उत्थान के लिए संघर्ष किया। मुजफ्फरपुर जिला के कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके चलचित्र पुष्पांजलि अर्जित कर उनके बहुत सारे गुणगान। वहीं अगली खबर, मुजफ्फरपुर के रेल लाइन के पास से मिला शव, परिजनों की हत्या की जताई आशंका। सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल लाइन के पास बुंटी के समीप मोहम्मद सदाम हुसैन का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एक्शन सीट भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजन को सौंप दिया गया। उसके बाद परिजन ने हत्या की आशंका जताई है।